हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगांव और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अदिति, ताहा, शुभम, यू नो। लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, क्योंकि ट्रेलर जो देखा एक बहुत ही रियलिस्टिक ग्रैंडनेस और सबसे ज़्यादा तो एक अलग किस्म का एक ट्रेलर लगा। लेकिन आप लोगों से रिएक्शंस एंड फीडबैक्स जानना चाहूँगा। मेरा फीडबैक है कि दिस इज द ग्रेटेस्ट शो दैट हैज एवर बीन मेड एंड यू गाइस मस्ट वॉच इट। ग्रेट फीडबैक, थैंक यू। क्या फीडबैक फ्रॉम? अच्छा जी, मैं अपना फीडबैक दे रहा हूं। नहीं ठीक है, अच्छा है। #NoModesty #modesty भाड़ में जाए। सो यार बहुत अच्छे फीडबैक्स आए हैं। मैं बहुत खुश हूं कि मेरी मॉम को बहुत अच्छा लगा है। सुबह से कुछ 5वीं बार बोल रहा हूं मैं, आई थिंक, बट उनको बहुत अच्छा लगा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनको देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम बड़े खुश थे, उनको लगा कि मेरे बेटे को फाइनली काम मिल जाएगा और ये भूखा नहीं मरेगा जिंदगी में। तो एवरीथिंग इज यूनिकॉर्न्स एंड रेनबोज। हे, दैट्स माय लाइन। अच्छा, ट्रेडमार्क है आपका? हाँ। अच्छा ठीक है, स्क्रैच दैट। भाई मेरा तो ऐसा है कि काफी लोगों ने कहा है कि दिस इज़ माय बेस्ट वर्क। उन्होंने कहा है कि पहली बार आपको ऐसा देखा है। उनको ऑफ कोर्स ट्रेलर तो बेहतरीन है ही जी, एंड एवरीबडी हैज़ डन सच अ ब्यूटीफुल जॉब। पर सबसे ज़्यादा जब मेरी मम्मी ने मुझे रात में सोने से पहले जब उन्होंने बात की थी, शी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू एंड शी सेड दैट दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट आपके करियर में, आपके लाइफ में, और इसको डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड and work very hard. So that was my. क्या बात है? We are both mummy's boys. यार I'm feeling very neglected. मेरी मम्मी ने तो मुझे I don't think she no. आप अब उस मुकाम पे पहुँच चुके हैं। रोज रोज देखते हैं। हमें validation की जरूरत है, आपको तो कौन कैसे? मुझे मेरी फैमिली को याद दिलाना पड़ता है, guys थोड़ा तो देख लो। देखा? अभी मैं याद दिलाऊंगा। अच्छा ओके, बट यू नो रेयर शो विद अगेन आई थिंक वन ऑफ इट्स काइंड। एक बहुत सालों पहले ऐसा हुआ रहेगा, उसके बाद कई सालों बाद धर्म जी, नसीर साहब, 2 लेजेंड्स एक साथ एक शो में है। कुछ इंटरेक्शंस, हाउ वाज द फील, मतलब उनके साथ के या धर्म सर के साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं। जो उस दिन मिले थे ऑन दैट स्टेज, हम सबको पता है कि धर्म सर इज अ ग्रेट पर्सनालिटी और जस्ट उनके इर्द-गिर्द ही आप रहो ना तो आप इट्स इन्फेक्शियस हिज एनर्जी। वहाँ पे बैठ के वो इतने खुश हैं वो स्टेज पे, जब वो सारे मीडिया को, सारे लोगों को वो देख रहे थे, हमें देख रहे थे, ही वाज स्माइलिंग कॉन्स्टेंटली, हैप्पी, ऑलवेज एक्साइटेड कि अगला सवाल क्या हो, अगला क्या होगा। एंड डेफिनेटली कि जब मैं वहाँ पे गया था, फालूदी नहीं फौलादी हाथ तो मैंने एक्चुअली गलती कर दी थी। तो मैं उनको कह रहा था कि मैं I was always fascinated क्योंकि I've always seen him like a Hercules. I've always seen him so strong. मैं हमेशा चाहता था कि मैं इनकी तरह बनूं. So when I met him first time, so I held his hand और फौलादी हाथ थे उनके. फौलादी हाथ. कसम. और and more than that, it showed it you know it was strong and it was at this age at 87 he held it at very firmly. And I felt that I really wanted to just kind of soak up that energy. And मैं ये चाहता था कि मैं इंशाल्लाह और आगे जाके मैं उनके साथ काम करूँ, थोड़ा सा तो काम करूँ जी। 1-2 सीन भी हो जाए तो लाइफ का थोड़ा सेट हो जाएगा। बट फॉर्चुनेटली नसीर सर के साथ हमारे साथ बहुत सीन्स थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे, काफी घनिष्ठ मित्र बन चुके हैं। ये तो बन ही चुका है। मैं हम ये बहुत बन चुका है, ये बन चुका है। दैट्स गुड, ही विल नॉट स्टॉप नाउ। या स्टार्ट, बोल दे नसीर सर के साथ क्या है। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, हिज नेम इज नसीरुद्दीन शाह एंड ही हैज टॉट मी लॉट अबाउट एक्टिंग एंड लाइफ एंड आई एम सॉरी आई एम डूइंग दिस थिंग लाइक अ बच्चा। बहुत अच्छे इंसान है यार, सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कितने बेहतरीन एक्टर है, पर उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन इंसान है वो। बहुत ही वार्मथ के साथ ट्रीट करते हैं, एक क्वालिटी के साथ ट्रीट करते हैं, कोई हायरार्की ऐसे जब ये उनके सामने आ जाता है तो मैं एक 16 साल की बच्ची की तरह मुस्कुराने लग जाती हूँ बस। नो नाउ ही चेंज्ड इट अगेन, ही सेड दुल्हन, अर्धांगिनी, दुल्हन, शर्मा जाते हैं ये, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी वार्म है यार। वो जब तुम्हें गले लगाते हैं तो 10-15 सेकंड गिव यू अ प्रॉपर वार्म हग। और वो हग मुझे एक हमारे एक स्क्रीनिंग था जहाँ पर उन्होंने एक एपिसोड दिखाया था ओके एंड नसीर सर पूरे शो में he was cordial, he was very nice to me, पर वो हमेशा एक हाथ की दूरी पर रहते थे. You know, he never really gave me that kind of love that I saw him give him or Aashim. तो finally जब शो उन्होंने देखा, then outside we met, उन्होंने मुझे गले लगाया, this big 10-15 second hug, and he kissed me. And I always remember that kiss because that was my award that night, and I'll take that with my heart forever. क्या बात है? Shah to Shah. ना Shah to Shah man. लेगेसी आपने तो ऑफकोर्स शुरुआती वहीदा रहमान जी से की थी, बच्चन साहब थे उस फिल्म में, सब कुछ था, बट यहाँ पे किस तरह था? नसीर सर बिफोर आई सेट पे जाने से पहले ऑब्वियसली मैं काफ़ी मतलब हाँ मतलब मेरे टमी में एलिफेंट्स कूद रहे थे. आई वाज लाइक आई डोंट नो हाउ आई एम गोना डू दिस, बट एक बार जब मैं गई तो he basically engages you in like so much exploration ki let's try this scene like this, let's block it like this, dialogues karte hain, rehearse karte hain, so he includes you, you know, in this whole process and wo atmosphere itna fun ho jata hai actually, you know, fun and engaging and you're listening and he also encourages you to ask and so वो बहुत अच्छा atmosphere also him being on set keeps you quite curious no yeah exactly and उनके साथ आप कोई भी बात कर लो, every conversation he'll just take you around the world, he'll take you to different realms and different aspects of life, such a vast understanding of life. It could be about a bus stand or it could be about his hiking trip in Egypt or it could just be about him talking about his life, play in London or like a play and he's like this encyclopedia of a man कि मतलब वो शब्द आ रहे हैं और वो मतलब हर बार अलग हैं. It's not the same generic conversation, that small talk नहीं है, सीधा in depth conversation है. Yeah, it's very and he's also very warm and very kind. So it was quite amazing. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत. और उन्होंने हमें खाना भी खिलाया. अच्छा खाना भी खिलाया. अदिति वैसे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन जब इस तरह की फिल्म होती, स्पेशली पद्मावत की बात करें, यू नो बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी आपकी उसमें, जो कॉस्ट्यूम ड्रामा था, कितना एंजॉय करती आप. यहाँ पे भी उसी तरह के लग रहे, तो अगेन दैट्स ऑल्सो गुड थिंग. तो किस तरह से मतलब इतने कॉस्ट्यूम ड्रामाज या जो इस तरह के ट्रेडिशनल लुक में जो आपका एक डिफरेंट अवतार दिखता है, हाउ डू यू एंजॉय दैट एंटायर प्रोसेस? आई एंजॉय बीइंग प्रिटी. नहीं, प्रिटी से ज़्यादा भी एक चीज़ होता है, बिकॉज दैट मूवी हैड शी वाज सरप्राइज एलिमेंट इन द फिल्म. पता नहीं था लोगों को जब फिल्म देखी थी, उसके बाद जो रिएक्शंस आना शुरू हुआ था, संजय सर का मैजिक है कि वो आपको पुश करते हैं एंड ही चैलेंजेस यू टू, यू नो, ही ब्रिंग्स आउट अ सर्टेन, यू नो, इमोशनल डेप्थ इन द कैरेक्टर एंड एक जो वो कैरेक्टर को होलसम बनाते हैं. इट्स ऑल्सो about how he views female characters and women. आप संजय सर की कोई भी फिल्म देखिए, उनके female characters इतने, there's so much depth and dignity and power, you know, उनके female characters में, and you can see उनका कितना, how much सम्मान he has, you know, for these women. तो मुझे मैं डायरेक्टर की बेबी हूँ और मैं कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ. आई एम रियली अ डायरेक्टर्स बेबी एंड आई रियली सरेंडर एंड आई ट्रस्ट, बट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ आई थिंक दैट्स जस्ट माय नेचुरल नेचर एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम वेरी, इफ आई हैव टू चेक बॉक्सेस ना, ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बॉक्स है कि मुझे किस डायरेक्टर के साथ काम करना है और कैसे, because it really defines how you'll spend the rest of your, you know, 50-60 days on a set, etc, etc. मुझे बहुत मज़ा आता है संजय सर की बात सुन के, इतना मज़ा आता है कि वो ब्रीफ कैसे करते हैं. और तो यहाँ पे ताज में उन्होंने एक्चुअली द क्रिएटर्स हैड सीन पद्मावत एंड दे आर आल्सो बिग फैंस ऑफ संजय सर, तो देख के दे हैड कॉल्ड मी फॉर दिस. उनका टेक एक्चुअली बहुत अलग है, जो एक्चुअली जब हम सोचते हैं ताज, देन वी थिंक ऑफ सलीम, अनारकली, अकबर, मुगले आजम की बात शुरू होती है. एंड ऑनेस्टली वो जो फिल्म है वो एक कल्ट फिल्म है, वो कोई वी नॉट नोबडी इज ट्राइंग टू रीमेक दैट, इट्स नॉट पॉसिबल ओनली आई थिंक टू डू दैट. बट ये इनका जो नज़रिया है वो एक अलग नज़रिया है. इट्स ऑलमोस्ट वो ये एक फैमिली ड्रामा बना रहे हैं और एपिक फैमिली ड्रामा, मोर डिटेल, मोर डेप्थ. Yeah, and about this entire family and the workings of this family, the power play, the love, the betrayal, the insecurities, ये सारी जो emotions है उसको weave in करके they have created this thing. तो मुझे I love period dramas and मज़ा आता है. और पता नहीं, I guess मेरी एक ख्वाहिश हमेशा रही है कि to do period love stories, epic love stories. मुझे अच्छा लगता है, तो इफ आई गेट पिक्ड फॉर इट आई एम वेरी हैप्पी. ड्रीम कम ट्रू. ड्रीम कम ट्रू. चेहरे, अच्छे किरदार, थोड़ा बहुत चेहरों की डायलॉग्स, नजाकत, अदाएगा. इट्स जस्ट द वर्ल्ड. इट्स अ मैजिकल वर्ल्ड बिकॉज़ यू नो हमें वी डोंट नो दैट वर्ल्ड, वी कैन नॉट इमेजिन दैट वर्ल्ड. और ये जो वर्ल्ड क्रिएट होती है वो हमारे डायरेक्टर्स क्रिएट करते हैं, उनकी इमेजिनेशन से ये वर्ल्ड हमारे लिए आती है. सो टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इमेजिनेशन इज it's a real blessing and it's you it feels very special to of course you know be a part of it, so yeah. But aap logo ke liye jab ye role aaya tha aapke paas, ek bahut powerful roles hai aap dono ke jo isme hai, as you said ke mummy ne bhi kaha ki ye hoga aapke, yahan pe bhi jo feedback, but kahin pe koi thoda sa ye tha ki you know nervousness ya jitters the ke itne sare naam jude hai iske sath, bahut bada role hai, kahin kuch unch neech ho jaye, kuch chhut gaya, to kahin pe aisa kuch tha man mein? I mean, to be honest, this was his first project and but he's done such a great job. ऐसा लगा नहीं कि इसका पहला project है. He's definitely worked hard and he's given his best. And as far as I am concerned, मैं तो मुराद नसीर साहब ने यहाँ पे equal. This is the love we share in the family. Divided by blood. ऐसा है. तो मुराद जो है, मुराद is I was very fortunate to get मुराद क्योंकि मुराद किसी और ने एक्चुअली साइन कर लिया था. ओके. और हुआ ये कि उसके बाद उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा और विलियम स्टूड बाय मी, राघव जो Z5 में है, वो मैं पिछले 3 साल से मैं उनका पीछा कर रहा था कि भाई थोड़ा सा बस टेस्ट कर ले. पर 3 साल बाद एक अपॉर्चुनिटी आई और उसने कहा कि भाई ये रोल ऑलरेडी डन हो चुका है, पर बस तो ऑडिशन भेज दे, मैं ट्राई करता हूँ दिखाने का. सो देन ही शोड इट एंड देन विलियम रियली लाइक्ड इट. एक मीटिंग के लिए बुलाया, वहाँ पे हमने, मैं और रॉन, विलियम हम तीनों ने मिले. और फिर रॉन को तब भी यकीन नहीं था कि मैं मुराद बन सकता हूँ. उसने बोला नहीं, मुझे यकीन नहीं है. बट विलियम स्टूड अप एंड विलियम स्टूड बाय मी, सेड दिस इज़ माय मुराद, आप तो यू नो रॉन लेना ही पड़ेगा. एंड देन फाइनली इट हैपेंड एंड आई एम वेरी ग्लैड बिकॉज आई गॉट टू वर्क विद आशिम, आई गॉट टू वर्क विद हिम, नसीर सर, एंड दैट्स अ ब्लेसिंग. सो यू नो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो I know. Never got to work. Clarification भी तो होना चाहिए. Never got to work with her. ऐसे लगेगा देखिए सबके साथ मजा आया पर अदिति के साथ नहीं. उनकी very soon though. So yeah, that it was an honor and Murad chose me. God gave an opportunity and मैं 11 साल से मैं wait कर रहा था कि मुझे ऐसा कुछ किरदार मिले जो first of all मुगल एम्पायर मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक रोल तो करूं लाइफ में जहाँ पर नॉट पीरियोडिक बट स्पेसिफिकली मुगल, राइट. और 12 साल बाद सपना पूरा हुआ एंड इट्स बीन अ प्रिविलेज. यार बहुत आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल कि ये हुआ क्योंकि मैंने बहुत जगह ऑलरेडी बोल दिया है बट मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप को ही 15 बार निठल्ला बोल चुका हूँ आज सुबह से. ठीक है. तो मैं बहुत ही बड़ा निकम्मा निठल्ला लड़का था जो बस जिंदगी थोड़ी एंजॉय करता था और फिल्में देखता था. बहुत गहरी आरजू थी मुझे एक्टर बनने की और इट दिस केम माई वे. इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कैरेक्टर्स. पहले 2-3 एपिसोड पढ़ के वो सिर्फ वार्म अप होता है और उसके बाद जो वो खुलता है, इट्स लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस स्क्रिप्ट एंड ताज इज दैट एवरीथिंग इज सो वेल रिटन. एवरी कैरेक्टर हैज इट्स ओन, लाइक दे गेट देयर ड्यू. इट्स नॉट जस्ट कि उनको अधूरा छोड़ दिया गया है. ऐसा नहीं कि एक कहानी शुरू करी और फिर उसको कंप्लीट नहीं किया गया. हर कहानी का आपको एक क्लोजर मिलेगा. हर इंसान की कंडीशन इसमें आपको बहुत सारी मेंटल कंडीशंस हैं जिनके बारे में बात की जाती है। आज लोगों को पता नहीं था कि वक्त तो वैसा ही था ना, लोग वैसे ही थे, तो कंडीशंस तो तब भी होती थी, बस उनके नाम नहीं थे। तो आपको वो सब भी मिलेगा कि और मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ क्या क्या, बट बहुत हर किरदार की एक कंडीशन है, हर किरदार की एक मेंटल कंडीशन है, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसके थ्रू वो होके जा रहे हैं। और कुछ आपको देख के बुरा लगेगा, कईयों को देख के रोना आएगा, कईयों को देख के आप खुश होंगे। तो बहुत होलसम और फुलफिलिंग सा शो है एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट दिस इज माय फर्स्ट। अदिति, आपके लिए कहीं ना कहीं तो ये एसिड टेस्ट होगा ही, बिकॉज यू नो द रोल जो आप निभा रहे हैं, ऑफ कोर्स लेजेंडरी मधुबाला जी ने किया था, उसके बाद बीना राय ने किया था इन अनारकली व्हेन शी हैड अ सुपर्ब सॉन्ग दैट जिंदगी उसी की है। तो क्या एक तो व्यूज क्या है उनके ऊपर, और कहीं पे वो एक थॉट्स थे कि मैं कहीं उनसे सेम, इंस्पायर, डिफरेंट, क्या मतलब क्या चला था जब? Views, I'm really nobody to give my views on these are epic performances and they will be remembered forever, you know, and they are just they're treasures. It's a very tough question for me to answer because I know कि ये reality है कि लोग में भी compare करेंगे या बात करेंगे या जो भी है, लेकिन आज के दिन में जो हमने जो ताज बनी है और जो क्रिएटर्स हैं, फॉर मी एज एन एक्टर टू हैव बीन पिक्ड फॉर दिस पार्ट, मे बी देयर इज सम ब्लेसिंग फ्रॉम समवेयर दैट हैज कम टू मी दैट आई गॉट पिक्ड फॉर दिस, आई डोंट नो व्हाई आई गॉट पिक्ड फॉर दिस बट आई डिड, सो आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग एंड विद कंप्लीट ह्यूमिलिटी आई से दैट if there are any comparisons, there are bound to be, it's a comparison with legends. That in itself, oh. I will just say okay, thank you, it's okay, what do I do? Phool barsao mera, aap logo ne dekhi thi Mughal-e-Azam ya dekhi hai? Of course, ya to koi kya uske sath kuch memories wahan se to sapna start hua tha yaar Mughal-e-Azam dekh ke। मैं तो बस इतना कहूंगा कि दो बला की खूबसूरत विमेन, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, एक मधुबाला जी और एक अदिति जी। He's gonna get me killed. No, no, no. What I mean is that she was beautiful. I still remember, मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब। Hiding my face and I'm going. जब प्यार किया तो डरना क्या was a beautiful piece. This is me. चुनवाने के बाद वाला। But मैं बस इतना कहना चाहूँगा with full modesty, humility and respect कि हमारी भी अनारकली भी बहुत अच्छी है। और ये डिस्को भी अच्छी नहीं, बस very different, very different character. Yeah, it is different portrait, very very, of course, it's a very in depth. The writing is very different. It's the name might be the same, but personality, performance, आप सब अलग पाएंगे. Even his, mine, or Aashim's also. Salim, Aashim has played it so differently. That was really goddess-like, almost like, you know, like. This is, I feel, but shooting process कितना टफ था? एक तो इतने सारे कॉस्ट्यूम्स, इतने हेवी कॉस्ट्यूम्स, और उसके साथ ये रियल लोकेशंस पे शूट करना, मतलब इजी था टास्क था क्या था? मजा बहुत आता है। कॉस्ट्यूम्स तो अच्छे ही थे, यानी कॉस्ट्यूम्स ऑलवेज हमारे लिए तो कॉस्ट्यूम्स पहनना, यानी स्पेशली द वॉर कॉस्ट्यूम्स, वो कॉस्ट्यूम थोड़े मुश्किल थे। We are not going to complain. We are not going to complain. Okay? Yeah. We had. I'm giving background music. हम बस इतना कहना चाहेंगे कि हम जितनी भी complaint कर लें. Tears are also flowing. God, continue. These costumes, oh my God. नहीं, it wasn't difficult at all. It was just tiresome to put them on and off all the time. But I think with all of that. बट जो दर्द झुमकों को पहनने में होता है वो हम क्या जाने कभी। हम तो सिर्फ 15 दिन में करके निकल गए, हम तो 15 दिन में अपना काम करके निकल गए, बट एवरी गर्ल, एवरी वुमन हैज टू, मैं अभी सोच ही रहा था कि कितना एफर्ट होता है, एम्ब्रॉयडरी होती है, कितना कुछ होता है। तो बहुत बहुत हमारा कोई हम धन्य हो गए कि हमें that's the least amount of pain a woman bears, brother. Yeah, so yeah, woman bears a lot more. But yes, anyway, digress from the question. Yeah. So चलिए सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन वक्त का तकाजा है, सो विशिंग यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग.